सो गाइस, मैं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मैच हिस्ट्री दिखा देता हूं। तो यहां पर आप सभी लोग देखोगे कि मैं सोलो में बूया निकाल रहा हूं एंड ज्यादा से ज्यादा प्लस निकाल रहा हूं। एंड जो आप लोग एक माइनस देख रहे हो वो मेरे नेटवर्क ग्लिच की वजह से हुआ है, वरना मैं बाकी सारे मैचेस में सोलो खेल के प्लस ही निकाल रहा हूं। एंड अभी मेरा रैंक चल रहा है ग्रैंड मास्टर पे, स्कोर हुआ है कुछ 8230। एंड अभी के टाइम पे मैं सोलो रीजन विंस में 39 नंबर पे आ गया हूं। एंड हमारे आगे अभी के टाइम पे गोरी भाई चल रहे हैं, तो उन्हें भी जल्दी ही क्रॉस करेंगे और जल्दी ऊपर में आने का ट्राई करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग मेरी तरह कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लस ले सकते हो हर एक मैच में। और ये चीज समझाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ अपना खेलने का तरीका एंड मैं क्या क्या करता हूँ मैच में, जिससे कि मैं हर एक मैच में टॉप 2 नहीं तो भूया करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो गोल बता देता हूँ। तो यार, इस वीडियो पे आप लोग 1K लाइक करने वाले हो यार, पहली बार इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ, तो फटाफट से कम्प्लीट कर देना एंड आज आप लोग 200 कॉमेंट कर देना। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने पहला मैच स्टार्ट कर दिया है, अभी मुझे लैंडिंग करनी है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं लोडआउट में एक्सप्लोरर का यूज करता हूँ, जिसमें मुझे सीक्रेट क्लू मिल जाता है एंड जहाँ पे भी सीक्रेट क्लू गिरता है मैं उधर ही लैंड करता हूँ हमेशा। बट इस मैच में सीन ये था कि मैं सीक्रेट क्लू के लोकेशन पे लैंड कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर था मेरे से। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एलशिप पे लैंड करता हूँ एंड यहाँ से मैं जो भी गन मेरे को मिलती है वो गन लेके सीधे सीक्रेट क्लू की लोकेशन पे जाना शुरू कर देता हूँ। एंड लकीली मुझे यहाँ से M10 और AK दोनों ही मिल जाती है। एंड फिर मैं जैसे ही जाने लगता हूँ सीक्रेट क्लू के पास, तभी मुझे एक एनिमी पीछे से डैमेज कर देता है। यहाँ पे मैं वुकोंग की वजह से बच गया, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कोई भी ग्लूवल नहीं थी एंड मैं यहाँ पर मर सकता था। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था स्ट्रेटेजी वीडियो में कि आपको वुकोंग कैरेक्टर को लगा के चलना है, तो देखो यहाँ पर कितना ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी में जो भी बताता हूँ ध्यान से सुना करो, समझा करो एंड फॉलो किया करो। तो उस एनिमी से बचने के बाद मैं सीक्रेट क्लू के लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ एंड वहां पर जाके टोकन कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास 800 टोकन हो चुके थे एंड आर्सेनल की खरीदने के लिए मेरे को 900 टोकन की जरूरत पड़ती, जिसकी जैसे मेरे को शिपयार्ड पे थोड़ा बहुत लूट तो करना ही पड़ता। एंड तभी मुझे यहाँ पर आते ही एक एनिमी दिखता है, तो मैं इसके ऊपर फायर दे देता हूँ एंड इसको मैं बहुत इजीली मार सकता था, बट AK इतना गंदा रिकॉइल कर रही थी जिसकी वजह से ये एक या दो गोली के लिए ही बच गया। अब देखो यहाँ पर मैंने एनिमी के ऊपर फायर दे दिया, तो आप लोग बोलोगे कि उत्कर्ष भाई आप बोलते हो कि स्टार्टिंग में एनिमी को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं अवॉइड करता, क्योंकि एनिमी लॉन्ग रेंज में था इसीलिए मैंने उस पे फायर दिया। एंड अगर वो एनिमी मेरे ऊपर बाई चांस रहता था तो मैं सीधे लॉन्च पैड का यूज करके लोकेशन ही चेंज कर लेता, तो इसी वजह से मैंने एनिमी पे फायर दिया। तो आपके पास अगर बैकअप प्लान हो तब आप भी फायर दे सकते हो। फिलहाल अभी के लिए हमने टोकन कलेक्ट कर लिया है, तो फटाफट से हम लोग आर्सेनल की खरीदेंगे एंड लॉन्च पैड का यूज करके फटाफट से हम लोग आर्सेनल पे पहुंचते हैं एंड वहां से हम लोग चरका वेस्ट निकालेंगे। बट यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया, हमारे पास अभी एक भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। एंड मैं आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको गाड़ी का यूज करना चाहिए, बट यहाँ पर हमें गाड़ी मिली नहीं, ऐसा नहीं है, एनिमी हमारी गाड़ी लेके भाग गया था शिपयार्ड पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेट वीजा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपको 8,888 रुपए जीतने का मौका देता है। एंड अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड उत्कर्ष24 यूज करते हो देन आपको स्टार्टिंग में 5 फ्री स्पिन करने को मिलेंगे, जिससे आपके पैसे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आप स्पोर्ट्स ट्रेडिंग, लाइव मैचेस, कैसीनो जैसे बहुत सारे गेम्स और रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो, जिसमें आप और आपके फ्रेंड दोनों को 300 रुपीज मिलेंगे एंड इसमें मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपीज एंड मिनिमम विड्रॉल 1000 रुपीज का है, जो कि बहुत ही फास्ट और इजी है विद 24/7 कस्टमर सपोर्ट। एंड सेस फैब्रेगस इसके ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि स्पेन के एक बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है। सो साइन अप करो और पाओ 500 रुपए का फ्री बोनस एंड ज्वाइन करो एविएटर कॉन्टेस्ट और पाओ मौका 1 करोड़ रुपीज जीतने का। तो बेट वीजा का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा। गाड़ी तो आ जाएगी, बट फिलहाल अभी हम लोग आर्सेनल ओपन करते हैं एंड यहाँ पर मेरे को 4 का वेस्ट दिख चुका है, तो फटाफट से हम लोग 4 का वेस्ट उठा लेते हैं। और यहाँ पर M10 भी है, शायद से लेवल 2 की है, अगर लेवल 2 की होगी तो हम लोग ये भी उठा लेंगे। तो फटाफट से हमने उठा लिया है एंड अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है पता है, ऊपर की साइड में एनिमी फाइट कर रहे होते हैं एंड मैं यहाँ पर रीज का कवर लेके एनिमी को स्पॉट कर रहा होता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को अभी एनिमी स्पॉट नहीं हुआ है, ये देखो एक एनिमी अभी अचानक से मेरे को स्पॉट हुआ है। तो अभी मेरे को यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर मैं ओपन एरिया में हूँ, ठीक है, सबसे पहले चीज। एंड मैं पीछे की साइड में एनिमी को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई पीछे तो एनिमी नहीं है, पता लगा मैं इस एनिमी को फायर दूं एंड फिर पीछे से कोई एनिमी थर्ड पार्टी कर लिया, ऐसा ना हो इसीलिए मैंने चेक कर लिया। एंड उसके बाद इस पत्थर के कवर पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये हाइट पे भी था एंड परमानेंट कवर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एनिमी हमें जल्दी मार नहीं पाएगा। एंड जैसे ही मैं ऊपर की साइड में आता हूँ मेरे को एनिमी स्पॉट होते हैं, तो पहला किल मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, दूसरे वाले को भी मैं मार सकता था, बट मेरे को यहाँ पर पता था कि ओपन एरिया है एंड फाइट ज्यादा देर से हो रही है, तो कोई भी एनिमी आसपास से आ सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैक ऑफ कर गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक किल करने के बाद थर्ड पार्टी हो जाए। एंड अभी अलाइव पे भी ध्यान देंगे ना, 25 बंदे अभी भी अलाइव है, तो यहाँ पर हमारा माइनस लग सकता है, तो इसीलिए हमें अभी और सर्वाइव करना पड़ेगा। एक किल निकल गया, बहुत ही अच्छी बात है, किल्स हमें आगे बहुत ही मिलेंगे, बट अभी हमें करना है सर्वाइव, क्योंकि देखो मेरा क्या सीन रहता
ना मेरे दिमाग में ये रहता है खेलते टाइम कि भाई जो अपने कंट्रोल में रैंक पॉइंट्स हैं उन्हें बचा के रखो। लाइक अभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो अभी हम लोग सर्वाइव करके पॉइंट्स को सिक्योर करते हैं। अब जैसे हम लोग टॉप 10 या फिर टॉप 5 में पहुंच जाते हैं तो वहां पर अगर हम लोग मर भी जाते हैं तब भी हमारा प्लस ही लगेगा। तो मैं ऐसे सिचुएशन में जाने का कोशिश करता हूं जहां पर मैं बहुत ही सेफ खेल सकूं। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करूं सोलो में। एंड यहां पर हमें फ्यूचर जोन भी पता लग ही चुका है, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का यूज करने वाले हैं एंड सर्वाइव करेंगे। एंड गाड़ी हम लोग मंगाने वाले हैं लोड आउट से, क्योंकि लोड आउट के लेवल 1 पे हमें एक ड्रॉप मिलता है जिससे हम गाड़ी मंगा सकते हैं। एंड उसके लिए हम लोग एक सेफ प्लेस पे आते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गाड़ी मंगा लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टोकन बच रहा था तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वार चेस्ट में देख लेते हैं कि हमारे काम का क्या है। तो यहाँ पर हम लोग वार चेस्ट पे थोड़ा सा देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है भाई, गंदा कुछ मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर गाड़ी का यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करेंगे सर्वाइव। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है एंड मैं भी यही करता हूँ। मतलब जितना अभी तक मैंने आपको बताया ना, ये ही तरीका है मेरे रैंक पुशिंग करने का। तो अभी अलाइव बच रहा है 21 बंदों का और अभी हमें आना है टॉप 5 के अंदर। तो मैं जब तक टॉप 5 नहीं कर लेता तब तक मैं गाड़ी छोड़ नहीं सकता एंड यही चीज मैं करने वाला हूँ। एंड आधे से ज्यादा मैच में तो मैं बाइक या गाड़ी ही चलाता रहता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे को एक लैम्बोर्गिनी दिख गई है, तो अभी मैं लैम्बो उठाने वाला हूँ एंड बस यही गाड़ी ही चलाऊंगा। एंड देखो चला चला के मैं टॉप 5 करता हूँ। देखो अभी ये यहाँ पर देखो जोन शिफ्ट होने वाला है और अभी 14 बंदे बच रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर जोन शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक ले लेता हूँ क्योंकि फ्यूचर जोन वाला जोन भी बन चुका है। तो अभी जोन छोटा होगा तो मॉन्स्टर ट्रक काम आएगा। और अभी अलाइव देखोगे तो 11 बंदों का अलाइव दिख रहा है एंड सभी के सभी यहाँ पर गाड़ी वगैरह सब चला रहे हैं। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कल ही गरेना ने ना ये वाला ग्लिच हटा दिया कि आप मॉन्स्टर ट्रक पे बैठ के फायर दे रहे हो। ठीक है, ये ग्लिच हट चुका है एंड इसके ऊपर मैं कल नहीं तो परसों एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाला हूँ। बहुत ही सही क्लिप निकली है, वो चीज मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये वो ग्लिच के पहले वाला का गेम प्ले है, तो इसीलिए आपको इसमें मैं फायर करते हुए देख सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी 7 बंदे बच रहे हैं और लास्ट जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड अभी देखो यहाँ पर सभी के सभी आसपास गाड़ी ही चला रहे हैं। एंड आपने एक चीज नोटिस किया भाई, बरमूडा में जब भी जोन बन रहा है ना पीक पे, कुछ इसी तरीके का ही जोन बन रहा है एकदम ओपन एरिया में, तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एंड ऐसे सिचुएशन में मैं मॉन्स्टर ट्रक का ही यूज करता हूँ क्योंकि ऐसे में ना बाइक वाले ज्यादा दिक्कत नहीं देते। ये देखो, एंड अभी यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, मेरी गाड़ी रोक देता है बाइक वाला एंड फिर वो मेरे गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है मॉन्स्टर ट्रक के, फिर मैं भी बैठ जाता हूँ एंड फिर इसे M10 से खत्म कर देता हूँ फायर करके। ये वही ग्लिच है जो कि अब काम नहीं करेगा। एंड फिर मैं ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो मैं बाइक पकड़ लेता हूँ एंड बाइक यहाँ पर लास्ट जोन में काफी ज्यादा सुइटेबल भी था, तो मैं यहाँ पर काफी देर तक गाड़ी चलाता रहता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को ओपन एरिया में भी एनिमी दिख रहे थे बट मैं यहाँ पर फायर नहीं देता हूँ। एंड जैसे यहाँ पर 3 बंदे बसते हैं तो यहाँ पर मैं गाड़ी को पीछे की साइड से ले जाता हूँ एक एनिमी के, तभी मेरे को एक एनिमी दिख जाता है। तो मैं तुरंत उतरता हूँ एंड इस एनिमी को बहुत इजीली नॉक कर देता हूँ क्योंकि इसे पता नहीं होता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उतरते ही इस एनिमी को फिनिश करता हूँ, तुरंत वुकोंग बन जाता हूँ। ऐसे में मेरे को वुकोंग बनने से दूसरा वाला एनिमी नहीं मार सकता। एंड फिर जैसे ही मैं बाहर की साइड में आता हूँ वो एनिमी भी आता है एंड मैं उसे हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ एंड इस मैच को कर लेता हूँ बुया बुया बुया। लेकिन हर मैच में बुया और फुल प्लस हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो बीआर में ना सोलो में एग्जैक्टली फुल प्लस करने के लिए आपको किल्स और आपका रैंक दोनों मैटर करता है। लाइक आपके पोजीशन क्या है मैच में एंड आपने किल्स कितना किया है। अगर आप भूया करते हो और आपने 4-5 किल किया है देन आपको फुल प्लस मिलेगा। एंड मेरी सिचुएशन में अभी क्या है, यहाँ पर मेरे 2 किल हो चुके हैं ऑलरेडी एंड यहाँ पर 7 बंदे हैं अलाइव। ठीक है, अभी मेरे को पोजीशन निकालना है। 4 बंदे यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक चला रहे हैं, 2 बंदे बाइक चला रहे हैं एंड मैं यहाँ पर अभी मॉन्स्टर ट्रक मंगाया हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोजीशन निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। किल तो मेरे हो जाएंगे, कैसे वो भी बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक को जोन में ले जाता हूँ क्योंकि जोन के बाहर डैमेज पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने आप को हील कर लिया है। अब देखो ये ना ओपन एरिया में जोन बन गया है, लाइक यहाँ पर एक भी कवर नहीं है, तो बंदों को गाड़ी से उतरना पड़ेगा ही पड़ेगा वरना वो फाइट कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर गाड़ी से थोड़ा लेट उतरूंगा एंड यहाँ पर मैं किल निकाल सकता हूँ। अभी देखो एक एनिमी मेरे को ओपन में दिखा, मैंने इसे कुचल दिया और यहाँ पर मेरा एक किल फ्री में हो गया। ठीक है, अभी भी मैं यहाँ पर डैमेज हो रहा हूँ जोन से बट मैं अपने आप को हील करे जा रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर ग्लिच का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों गाड़ी को तोड़ देता हूँ। अब यार इसके लिए मेरे को कुछ बोलना मत क्योंकि उस टाइम पे ग्लिच चल रहा था। यहाँ पर मेरे को एक एनिमी ओपन में दिखता है, मैं इसे उड़ाता हूँ एंड ये वॉल लगा लेता है। फिर से मैं इसे उड़ाता हूँ, मेरे को एक और किल यहाँ पर मिल जाता है एंड फिर से मैं जोन में एंटर कर जाता हूँ। अभी देखो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर मेरा बुया होगा? हाँ, मेरे को भी लग रहा था यहाँ पे मेरा बुया होगा। मैं इस एनिमी को भी डैमेज कर देता हूँ काफी ज्यादा एंड अभी जस्ट 3 बंदे ही बच रहे हैं, 2 एनिमी एंड मैंने दोनों को उड़ा दिया है। अब मेरे यहाँ पे तो बुया डन ही डन है बट यहाँ पर सीन क्या होता है पता है, 2 एनिमी नॉक होते हैं एंड मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ खुद जोन से। एंड अगर आपको मैं अभी फिर से अपना मैच हिस्ट्री दिखाऊं तब यहाँ पर आप लोग जूम
करके देखोगे तो भाई हर एक मैच में फुल प्लस मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही नहीं होता कि आप हर मैच में फुल प्लस निकाल पाओ, समझ रहे हो। लॉबी हार्ड आती है इसीलिए, बट जो भी चीजें अभी तक मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई हैं उनकी वजह से आप लोग हर एक मैच में प्लस ले सकते हो, फुल प्लस पॉसिबल नहीं होता है कभी कभार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना एंड चैनल पर है सो डू सब्सक्राइब। अगर आपको सोलो में रैंक पुशिंग करना नहीं आता तो आप लोग सामने आने वाली वीडियो पे क्लिक करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको सोलो में कैसे अच्छे से खेलना चाहिए। मैं मिलता हूँ आप उस वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।